इटारसी की सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर विधायक प्रतिनिधि के निवास पर पहुंची। वहां मौजूद कर्मचारियों की अभद्रता से नाराज होकर महिलाओं ने मोहल्ले की मुख्य पाइप लाइन को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही नगरपालिका कर्मचारी वहां पहुंचे, तो मौके पर मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया तथा मुख्य पाइप लाइन से नल कनेक्शन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया तथा नगरपालिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हाथापाई की नौबत आते देख नगरपालिका कर्मियों ने पुलिस बुलवा ली। फिर पानी के 5 टैंकर बुलवा कर पुलिस की मौजूदगी में पानी बांटा गया। ट्यूबवेल है, उसकी मोटर कल जल गई थी, तो अभी फिलहाल टीम आ रही है, नई मोटर खुलवा ली गई है। नई मोटर से भी इसको चेंज करवा देंगे, पुरानी मोटर हटा के नई मोटर डाल देंगे, यहाँ पर पानी की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। ये लोग मेन लाइन फोड़कर कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, इस बारे में इस संबंध में क्या होगा? राइजिंग मेन के लिए वैसे हमारे पास ऐसे ऑर्डर बने हैं कि राइजिंग मेन से कनेक्शन दिया जाए, तो उसके लिए भी हमने इनको हाँ नहीं किया। नगर पालिका की मेन लाइन से बहुत सारे कनेक्शन लोगों ने पर्सनल अपने घर में ले रखे, इस बारे में क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये भी हम चेक कर ले रहे हैं, वेद अवैध कनेक्शन कितने हैं यहाँ पर, कनेक्शन उन पर कार्रवाई करेंगे। वार्ड वाइज इटारसी से जीतेंद्र राजवंशी की रिपोर्ट।